हेलो सस्टेगल केम छो सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द प्रैंक एक्सप्रेस में। मैं हूँ ख्याति शर्मा और गाइज आज मैं आई हूँ ऑफिस बहुत टाइम बाद और मैं प्रैंक करने वाली हूँ आप सभी के मनीष रस्तोगी पर, ठीक है। एंड मेरी पिया से पहले ही बात हो गई है, प्रैंक कुछ पिया से रिलेटेड ही होगा। एक्चुअली मुझे मैं टेस्ट करने वाली हूँ कि मनीष को पिया पे कितना ट्रस्ट है, ठीक है। तो आज मजे लेते हैं मनीष के पिया के साथ मिलकर। तो मैं बुलाती हूँ मनीष, कहाँ हो? आना जरा यहाँ पे, कह रहा है दिल में खेचो। हाँ खींच रही हूँ, आओ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यार बाल। ओह सॉरी। हाँ कैसे हो? बढ़िया, थोड़े ज्यादा मोटे होते जा रहे हो। खून चूसने वाले कम है ना आज। अच्छा और कुछ बात करनी है मुझे तुमसे? हाँ बिल्कुल करो। करूँ? पहले यहाँ तो ध्यान दे लो। छी, क्या मतलब क्या जनाने वाली हरकत है? कान साफ करने के लिए। यो छी। अच्छा पिया कहाँ है? पिया तुम्हारे जैसे बंदा ना मिल जाए ना किसी को, सही रहेगा। तो मुझे उसी से रिलेटेड कुछ बात करनी है एक्चुअली। बंदे से रिलेटेड या किससे रिलेटेड? तुम्हारे और पिया से रिलेटेड। Nice. करो। कैसा चल रहा सब? बढ़िया एकदम मस्त। पक्का? टाइम पे मिल जाती है। क्या? रिस्पेक्ट, खाना पीना इधर उधर सब चीजें। Are you sure? नहीं क्या दिक्कत? शक्ल देखो कैसी बना रहा है। अच्छा सुनो, on a serious note, कुछ बात करनी है उससे related। पहले promise करो कि जो मैं बोलने वाली हूँ react नहीं करोगे, ठीक है? अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करोगे, पहले मेरी बात सुनोगे पूरी। जो चीज रिएक्ट करने की होगी उस पे रिएक्ट करूंगा। सुन तो लो। यार इतने भोले हो ना तुम। वाह, मुझे बोल रही है बंदी, और ये क्या है? मैं लड़की हूं। तो तुम सच में बहुत भोले हो। क्या करूं? सुनो। पिया तुम्हारे लिए सही नहीं है। Nice. Well said. क्या nice? सही नहीं आगे बताओ क्यों? यार सही नहीं है वो, मतलब उसकी, यार तुम्हें खुद नहीं दिखता क्या? दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। क्या दिखता है? जो वो छोटे कपड़े पहनती है। मनीष आई एम सीरियस। अरे क्या मतलब है क्या? क्या वहां से ऊपर आओ। खुद नहीं दिखता क्या कि वो उसकी हरकतें कैसी हैं? सबको दिक्कत क्या रिलेशन से मेरे? मनीष प्यार तक बातें ठीक है। हाँ। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम समझ नहीं रहे यार। कोई क्लू है मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रहे? चलो बस। ऑलराइट, मैं कब आई थी ऑफिस? 2 दिन पहले। ठीक है। मैंने उसको देखा तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकालते हुए। आई गेस 2-2 हजार के नोट थे। ठीक है, वो निकाल रही थी। कोई बात नहीं, हक है उसका। सुनो ठीक है, तुम्हारी बंदी है वो, तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाल रही है, नॉर्मली निकाल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट उसने जिस तरीके से पैसे निकाले ना, मतलब इट वाज लाइक ऐसे, देखो मेरी 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 तरफ देखो, जो मैं कर रही हूँ उस पे देखो, ऐसे मतलब क्या। और अभी यार ये 2000 के नोट की बात नहीं है, इंटेंशन की बात है, कोई चोरी कर रहा है। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि वो अपने पैसे के लिए मेरे पास? देखो मैं कुछ नहीं कह रही, तुम्हारा तुम्हारे पास अपना दिमाग है, बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है?
कुछ कह रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या समझ? मेरे को नहीं आ रहा समझ। यार तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। आखिर मेरे पैसे तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? नहीं है जरूरत। कोई प्रूफ है किसी चीज का? ऑल राइट, आयान कहाँ है अभी? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है आसपास, ऑफिस के आसपास। मुझे क्या पता? कुछ पता है तुम्हें उसके अलावा? नहीं। मेरा फोन कहाँ है? समझ ही नहीं रहा यार, कब से समझा रही हूँ, खुद की फिक्र है नहीं। तुम हो रिलेशनशिप में? क्यों बताऊँ, क्यों बताऊँ? देखा ये होता है मतलब अपनों की बात, तुम्हारा तो पता ही नहीं हमारे को, तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा ये हंस के तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हेलो हक, सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है बात करने का, ठीक है? यार अयान कुछ बात करनी है, अभी फ्री हो एक मिनट के लिए? यार सो रहा था ना घर में, बता क्या हुआ? यार थोड़ा पंगा हो गया है, मैंने मनीष को बताया जो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था। हाँ हाँ क्या हुआ? पिया से रिलेटेड। अच्छा जो पैसे चुराए थे उसने? हाँ हाँ, तो वो तो मैंने भी देखा था। क्या हुआ? सुन लो अब। भाई क्या बोल रही है यार, तू क्या बोल रहा है ऐसी चीजें? अरे भाई क्या हो, देखा था मैंने, कहा था क्या चीज तू बता रहा है, मैं मोटे मांग रहा हूं पैसे से चुरा रही हूं, तो दो जाने नौ तक के उसके तुम्हारे कुछ है तो देखा था भाई। तो भाई चल ठीक है, मान ले एक बार निकाल लिया होगा तो बोल रही है, वो रोज निकालती है, दो दिन इसको आए यहाँ पे हुए नहीं, बस ऐसे बोल रही है यार वो। उसने बोला था दो दिन लगातार देखा है, और तू बोल रहा है कि भाई तूने कब देख लिया? भाई तेरी टीम की लड़की जाहिर है तो उसने तो साथ तू देगा ही देगा, ठीक है कोई बात नहीं। चल ठीक है यार, समझ आया? नहीं। प्यार में पड़ा हुआ बंदा अंधा होता है। ठीक है अंधा ही सही है, बताओ क्या कर सकते? लीव हर। क्यों? सुनो मुझे पता है तुम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा तुम भी जानते हो कि क्या है और क्या नहीं, मैंने तो दो दिन देखा यार, तुम तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ रहते हो, तुम इग्नोर करते हो चीजों को क्योंकि तुम प्यार में अंधे हो चुके हो। मनीष प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सच बोल रही हूँ। मैं दो बंदों की बातें सुनकर के मैं बिलीव नहीं कर सकता। तुम्हें अयान पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। बात ट्रस्ट की नहीं है, बात है ऊपरी बातों पे। ओके तुम्हें नहीं है ट्रस्ट हम दोनों की बातों पे, ठीक है। तुम्हें पवन सर की बातों पे भरोसा हो जाएगा, उनसे उन पे तो ज्यादा ट्रस्ट है ना हम सबसे, है ना? बुला लेते हैं फिर उन्हें। पवन जीजू, पवन सर। बताओ क्या हो गया? आप ये बताओ कि मैंने मनीष को बताया पिया के बारे में? क्या? वही वॉलेट वाली बात, आपने भी देखा होगा कई बार, सबको पता है यहाँ पे तो, बट मनीष नहीं कर रहा यकीन। मैंने आन से भी बात करवा दी, अब आपकी और मेरी तो बात नहीं हुई ना, अब आप बता दो आपने देखा ही नहीं देखा। हो सकता है इनकी पर्सनल बात हो दोनों की। देखा है ना आपने भी? देखा था। ये भी तो हो सकता है कि मनीष को बोलने के बाद पैसा लिया हो। नहीं तुम्हें नहीं पता, ये तो खाली बातें बोल रहे हैं, मतलब पैसे निकालती, मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसा कभी कुछ है भी नहीं। आपने कभी देखा है? मैंने एक बार देखा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बोला होगा, जैसे नॉर्मल शिवा ले लेता तुम्हारे पास। कितने पैसे निकालते? आईडिया कुछ नहीं, ये तो बोले दो तीन हज़ार भी निकालती है, हमेशा बोले निकालती है। ऐसे मैंने देखा नहीं कितने निकाले, जैसे शिवा ले लेता जब शूट के लिए कोई काम होता है तो उस हिसाब से, लेकिन हाँ निकाल लेते। ठीक, यही कन्फर्म करने के लिए बुलाया था। हाँ कर लो, ठीक। हुआ यकीन या अब भी नहीं हुआ? तुम इतने भोले हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। ठीक है मानता हूँ, यकीन है वो भी बातों पे यकीन, बट क्या पैसों के लिए वैसे क्यों करेगी? मैं थोड़ा उस चीज को खुश रहा। ये देखो मुझे नहीं पता, मैं उससे ज्यादा नहीं जानती। ठीक है इससे बात करूंगा अभी। अच्छा चलो, अभी भी इसको यकीन नहीं हुआ? नहीं बात यकीन की नहीं, देखो यार अब तुम तीन बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सीन होगा ही, कुछ ना कुछ। रिलेशन में हूँ। क्या हुआ? अरे ठीक है थोड़ा
या होता है ना, मतलब बातें सुनने को मिल जाती है रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार तो मतलब अपने आसपास देखते ही नहीं लोगों को, सब है, इतनी इतनी इतने सारे लोग हैं, राहुल है, सबको देखता हूँ मैं, सबसे बातचीत है मेरी। ठीक है, तुम्हें मुझे लग रहा है तुम्हें अभी भी डाउट है, हम तीनों पे डाउट है, ठीक है? नहीं, बात डाउट की नहीं, चलो बात थोड़ा, नहीं नहीं मनीष दिख रहा है मुझे, तुम प्यार में डूबे हुए बिल्कुल ही सबमर्ज्ड इंसान हो, ठीक है? एक काम करते हैं, पिया को यहीं बुलाते हैं, और वो कहते हैं ना हिंदी मूवीज में पर्दाफाश। नहीं, मैं उससे पर्सनली बात कर, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता है, नहीं, नो पर्सनल रिलेशन की नुमाइश नहीं करवानी है मैंने, नुमाइश की बात ही नहीं है, हम सब फैमिली है यार, यहीं बुलाएंगे पिया को। नहीं बुला लेती हूँ, उससे पर्सनली बात कर लूंगा, फिर पर्सनली वो पता नहीं क्या, तुम क्या बोलते हो उसको, मतलब फिर प्यार में डूब जाओगे। बुला लेते हैं पिया को, ठीक है? या मत बुलाओ, नहीं नहीं बुलाना पड़ेगा, समझो यार बात को, हम बात कर लेंगे पर्सनली, प्राइवेटली बात हो जाएगी। ओह शिट, ओह शिट, पिया हाँ इधर आइयो जरा, एक मिनट, जल्दी आ जा, यकीन नहीं हो रहा ना अब, सारा यकीन होगा, ऐसी की तैसी, मतलब किसकी ऐसी तैसी, बोल रहा था बैठो, किसकी ऐसी की तैसी, किसकी ऐसी की तैसी कर रहे हो, कर लो बात, क्या बात हो गई, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया, करो बात, क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों, अरे कुछ नहीं, थोड़ी दिक्कत है, उसकी बात कर रही थी, क्या मनीष बात करो, क्या बात करनी है, नहीं करनी मेरे को बात, क्या दिक्कत है तेरे को, मनीष क्या बोलना, क्या है ये तेरी हंसी, क्या है तेरी, क्यों हुआ, अरे कुछ नहीं, वो बोल रहे थे क्या ना, मैं तू पैसे निकालती मेरे पर्स में से, क्यों निकालती है, यकीन हो गया है, यकीन हो गया तुझे, नहीं मुझे तो यकीन नहीं हुआ, मतलब फिर भी थोड़ा डाउट है ना, मतलब क्या, मतलब होता ना जब तीन चार लोग बोलते, तो तीन चार कौन कौन, किस 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 ने बोल दिया, है? ये बोल रही होगी है ना, साइड में बैठी है इसलिए, और है अयान भी है, पवन सर बोल रहे थे, अयान और पवन सर, नाइस, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है, सबको बताना पड़ता है, ये स्क्रिप्ट है, सो गाइस मनीष पे प्रैंक हो चुका है, ठीक है? यार कमेंट करके बताना कि यकीन किया मेरी बातों का या नहीं किया, मेरे को हंसी आ रही है यार, ही वाज लुकिंग डैम क्यूट, थोड़ा सा तो हो गया था यार, इनकी अपनी बातें चालू हो गई, ठीक है यार, तुम लोग जाओ यार, जाओ यार जाओ, वो तीन बंदे बोले कि इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा फैला देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, द प्रैंक एक्सप्रेस, अब मौज लेगा इंडिया।